कर प्रीमियर लीग का ये फाइनल होने जा रहा है और पल्दिया की तरफ से बल्लेबाजी में उनके सलामी बल्लेबाज बॉबी और लोकेश थोड़ी देर में आप सभी के सामने। पहले प्ले के लिए ऑर्डर जारी जाती है, अगर फील्डर चेंज भी किया जाता है तो बाद में किया जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चले अंपायर को चपा रही है गेंद और काफी बढ़िया गेंद वहां पर नीचा रहता गेंद बॉबी अपनी मत फिर से ये गेंद वहां पर काफी बढ़िया गेंद वहां पर गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं। बॉबी अपनी मत फिर से वहां पर कड़ा प्रहार कर दिया गेंद को बेटा काफी दूर मिलेंगे पूरे छह रन। बॉबी अगली मत फिर से चले बॉबी लिए गेंद वहां पर फिर से लंबा प्रहार करना चाहते थे लेकिन चूंकि बॉबी अगली मत फिर से चली गेंद बॉबी की वहां पर गेंद बल्ले का खासा संपर्क नहीं। एक ओवर की समाप्ति पे स्कोर है छह रन। पंकज पहली मत लंबा रन बनना शुरू किया पार्क पार किया ये गेंद काफी बढ़िया गेंद वहां पर हल्के हाथों खेला उतना ही बढ़िया क्षेत्र रक्षण निश्चित ही अपनी टीम के लिए तीन रन बताया वहां पर। बॉबी दौड़ना शुरू किया अंपायर को क्या पार ये गेंद बॉबी के लिए पंकज की और काफी बढ़िया गेंद वहां पर नीचा रहता गेंद रन आउट का चांस लेकिन बल्लेबाज क्रीज में सुरक्षित काफी पंकज अगले मरतबा फिर से चलेंगे इस सामने होंगे लक्की दौड़ना शुरू किया पार्क पार किया ये गेंद और वहां पर हल्का सा गति मिश्रण काफी बढ़िया फील्डर वहां पर रन आउट का चांस और आसान सा रन उठा पर तालमेल की कमी पहले विकेट का पतन काफी बड़ा यह विकेट। पंकज अगली मरता फिर से चले सामने है लक्की पंकज की गेंद लक्की के लिए वहां पर पटकाया गेंद काफी दूर उस गेंद का होगा मिलेंगे पूरे छह रन। अच्छा खेल प्रदर्शित करती है ओपन टूर्नामेंट में भी पंकज अगली मरता फिर से वहां पर गति में मिश्रण काफी बढ़िया गेंद वहां पर गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं तो काफी बढ़िया ओवर बढ़ता हुआ अभी तक पंकज का पावर ठीक लिए गई गेंद लेकर चले फिर सामने लक्की वहां पर दिशा से भटके अंपायर खनन पंकज अगली मत फिर से सामने है लक्की ये गेंद लक्की के लिए वहां पर फिर से गति में मिश्रण था पंकज अगली मत फिर से सामने है दीपांशु ये गेंद दीपांशु के लिए वहां पर काफी बढ़िया गेंद ओवर की समाप्ति दो ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 17 रन। दिनेश चले सामने है लकी ये गेंद और वहां पर लंबा गेंद काफी दूर गेंद को विदा मिलेंगे पूरे छह रन। दिनेश अगली मरता फिर से वहां पर फिर से लंबा गेंद काफी दूर इस गेंद को खेला मिलेंगे फिर से छह रन। चलाओ करे दिनेश अगली मरता फिर से दौड़ना शुरू किया पार को पार के ये गेंद काफी बड़ी गेंद वहां पर रन आउट का चांस और वहां पर रन आउट काफी बड़ा है विकेट। दिनेश अगली मरता फिर से चले गए सामने है विक्की दिनेश की ये गेंद काफी बड़ी गेंद वहां पर हल्का सा मिस फील्ड मिलेगा एक रन। दिनेश अगली मत फिर से चले सामने लक्की वहां पर फुल टॉस गेंद रक्षात्मक तरीके से खेला मिलेगा एक रन वहां पर हल्का सा मिस फील्ड दूसरे के लिए पलटे रन आउट का चांस लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित। दिनेश अगली मत फिर से बाहर को बाहर के ये गेंद फिर से फुल टॉस गेंद थी वहां पर मिलेगा एक रन की समाप्ति तीन ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 33 रन। बॉबी पहली मरतबा सामने लक्की पहली गेंद लेकर चले वहां पर काफी बड़े गेंद हवा में गेंद खिलाड़ी बॉल के नीचे पर खिलाड़ी से थोड़ा सा दूर आसानी से रन की प्राप्ति। बॉबी अगली मरतबा फिर से चले अंपायर को क्या पा रही है गेंद विक्की के लिए वहां पर काफी बड़ा गेंद रक्षात्मक तरीके से खेला कोई रन नहीं। बॉबी अगली मरतबा फिर से चले अंपायर को क्या पा रही है गेंद विक्की के लिए वहां पर काफी बड़ा गेंद रक्षात्मक बॉबी अगली मरता फिर से विक्की के लिए ये गेंद
फिर से काफी बढ़िया गेंद वहां पर सामने लकी दोनों झूठे अंपायर को भर के ये गेंद वहां पर काफी बढ़िया गेंद काफी तेज गेंद एक और विकेट का पतन द्वारा दोनों झूठे अंपायर को भर के सामने वहां पर रोहित वहां पर काफी बढ़िया गेंद लेकिन हल्के हाथों खेला काफी बढ़िया क्षेत्र रक्षण वहां पर हर्ष द्वारा निश्चित अपनी टीम के लिए तीन रन बताए बॉबी अगली माता फिर से सामने है विक्की युवा प्रतिभाशाली बल्लेबाज वहां पर हल्के हाथों खेला एक रन के लिए पलटे और मिलेगा भी एक रन अभी द्वारा ओवर की समाप्ति चार ओवर की समाप्ति तो स्कोर 37 रन पहली गेंद लेकर चले अंपायर को पार किया पहली गेंद काफी बढ़िया गेंद वहां पर नीचा रहता गेंद अगली मरता फिर से चले अंपायर को गया पार ये गेंद और आसानी से रन की प्राप्ति दूसरे के लिए पलटे रन आउट का चांस लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित हर्ष अगले मरता फिर से चलेंगे सामने विक्की युवा प्रतिभाशाली बल्लेबाज और वहां पर काफी दूर इस गेंद को भेजा मिलेंगे पूरे 6 रन हर्ष अगली मरता फिर से चले सामने विक्की फिर से शॉट में गेंद काफी दूर गेंद को भेजा मिलेंगे मात्र 2 रन तो हर्ष अगली मरता फिर से चले अंपायर को पार किया ये गेंद और वहां पर हल्के हाथों खेला एक रन की प्राप्ति हर्ष अगली मरता फिर से चले दौड़ना शुरू किया अंपायर को पार किया ये गेंद रोहित के लिए वहां पर काफी बड़ा क्षेत्र रक्षण वहां पर बॉबी द्वारा ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 49 रन और अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर आए हैं पंकज सामने है रोहित दौड़ना शुरू किया अंपायर को पार किया ये गेंद काफी बड़ी गेंद वहां पर गेंद पंकज अगली मतलब फिर से रोहित के लिए वहां पर काफी जोर से शॉट को खेला मिलेगा मात्र 1 रन दौड़ना शुरू किया अंपायर को पार किया सामने विक्की ये गेंद और फुल टॉस गेंद थी अगली मतलब फिर से चले पंकज अंपायर को पार किया ये गेंद सामने विक्की वहां पर काफी बढ़िया गेंद एक और विकेट का पतन वहां पर तो काफी बढ़िया गेंद दौड़ना शुरू किया अंपायर को किया पार ये गेंद वहां पर फुल टॉस थे गेंद थी लेकिन गेंद बल्ले का खासा संपर्क नहीं अगली मतलब फिर से सामने है रोहित पंकज की गेंद रोहित के लिए वहां पर गति में मिश्रण लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे ओवर की समाप्ति 6 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 52 रन 8 ओवर का यह मैच हर्ष पहली मरतबा दौड़ना शुरू किया अंपायर को पार किया ये गेंद और वहां पर काफी दूर इस गेंद को खेला एक रन की प्राप्ति वहां पर दूसरे के लिए पलटे आसानी से 2 रन पूरे किए इसी बीच 3 रनों की प्राप्ति वहां पर दोनों बल्लेबाजों द्वारा फिर से कुछ के लिए वहां पर दिशा से भटके अंपायर का निर्णय वाइट बॉल हर्ष अगली मरता फिर से चले कुछ के लिए गेंद वहां पर काफी उठा गेंद लेकिन दिशा से भटके अंपायर का निर्णय वाइट बॉल हर्ष अगली मरता फिर से सामने है कुछ वहां पर हवा में गेंद पर खिलाड़ी से दूर एक रन की प्राप्ति वहां पर दूसरे के लिए पलटे रन आउट का चांस लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित हर्ष अगली मरता फिर से दौड़ना शुरू किया पैर को पार के ये गेंद हवा में गेंद खिलाड़ी बॉल के नीचे और काफी बढ़िया कैच वहां पर एक और विकेट का पतन तो मजबूत स्थिति में अभी तक पावर हर्ष चले पंकु के लिए ये गेंद गति में मिश्रण वहां पर सीधे बल्ले से खेला मिलेगा मात्र 1 रन अगले मतलब फिर से चले हर्ष सामने है रोहित दौड़ना शुरू किया अंपायर को पार किया ये गेंद और काफी बढ़िया गेंद काफी तेज गेंद और उतने ही चुस्त कीपर काकू
चांस, लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित। सात ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 60 रन। दिनेश अंतिम ओवर लेकर आया, पहली गेंद काफी बड़ी गेंद, वहां पर रन आउट का चांस और वहां पर आउट। अगली मतलब वहां पर गेंद बल्ले का खासा संपर्क नहीं, एक रन वहां पर दूसरे के लिए पलटे, लेकिन साथी खिलाड़ी ने नकारा भी लगा, मात्र एक ही रन। दिनेश अगली मतलब फिर से काफी बड़ी गेंद, वहां पर रन आउट का चांस और आसान से रन आउट, वहां पर एक और विकेट का पतन। अगले बल्लेबाज आए हैं गौरव, बारिश होती हुई, दिनेश अगली मतलब फिर से वहां पर फिर से रन आउट का चांस, लेकिन बल्लेबाज पहली पारी समाप्त और पहली पारी में बल्देयां की टीम ने बनाया 63 रन 64 रनों का टारगेट। पहली गेंद गौरव, बढ़िया बढ़िया, 64 रनों का पीछा करती हुई पावर हीटर डबल। दूसरी गेंद फुल पास, आई थिंक 6 रन। काकू जो कि लगातार फॉर्म में है, 6 रन लगा चुके हैं, जोरदार अपील, लेकिन नेक्स्ट स्टंप को छोड़ती हुई ये गेंद लेग बाई के रूप में रन आ चुका है। इस बार सामने हैप्पी, पटकी हुई गेंद लेकिन और वाइड, अंपायर ने बाजू लहराई। और ये देखिए क्लास इस खिलाड़ी का, 6 रनों के लिए बहुत ही लंबा छक्का सीधा हरी भरी जंगल की दिशाओं में। एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 15 रन, 64 रनों का पीछा करती हुई पावर हीटर एक ओवर में 15 रन अर्जित कर चुकी है। अगले गेंदबाज है विक्की, एक एक रन से स्कोर आगे बढ़ रहा है, फाइनल मुकाबला चलता हुआ ये। इसी बीच लेग बाई के रूप में एक और रन, पटकी हुई गेंद उसे फ्लिक किया है हल्का सा, एक रन जरूर यहां पर आसानी से पूरा कर लिया और दूसरा रन भी जब तक बॉल आएगा तब तक पूरा कर लेंगे। हाँ थोड़ा सा खराब, इसी बीच 2 रन पूरे कर लिए। कैसे एक रन जरूर पूरा कर लिया, वहां खतरा था लेकिन फील्डर मौजूद नहीं तो एक रन आसानी से मिल गया। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 22 रन। इस बार गेंदबाजी में और ये देखिए तीसरा ओवर के बाद इसी बीच एक रन जरूर, ये बाई के रूप में एक रन आ चुका है। ये चले गेंदबाज और इस बार बॉल हवा में और
चार रनों के लिए थर्ड मैन के ऊपर से। और ये देखिए बॉल हवा में खिलाड़ी स्पिन चल रही है कि उसके सर के ऊपर से 6 रन। तो काफी बढ़िया मैच घटता हुआ पावर हिटर के लिए। अगली गेंद मुकेश की, वहां पर काफी बढ़िया गेंद, नीचा रहता गेंद। मुकेश अगले मैचों फिर से चलेंगे सामने, हैप्पी मुकेश की गेंद, हैप्पी के लिए वहां पर बड़ा प्रहार कर दिया खिलाड़ी बॉल के नीचे और वहां पर काफी बढ़िया कैच, पहले विकेट का पतन। दौड़ना शुरू किया अंपायर को, पार किया ये गेंद पर स्कोर है 37 रन, 37 रन। चौथे ओवर की शुरुआत व्हाइट बॉल कुछ अगले मटवा फिर से चले सामने है काकू पिस की गेंद, काकू के लिए वहां पर गति मिश्रण किया कुछ अगले मैच फिर से चलेंगे सामने काकू, ये गेंद वहां पर जोर से बल लगवाया लेकिन खासा संपर्क नहीं मिलेगा एक। कुछ अगले मैच फिर से सामने है कार्तिक, युवा प्रतिभाशाली बल्लेबाजी, ये गेंद वहां पर हल्के हाथों खिलाए गेंद की प्राप्ति और मिलेगा पूरा 4 रन। तो काफी बढ़िया बल्लेबाजी वहां पर कार्तिक द्वारा। काफी बढ़िया गेंद वहां पर गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं डॉट गेंद। कुछ अगले मैच फिर से अंपायर को पार किया ये गेंद और वहां पर हल्के हाथों खिला 1 रन की प्राप्ति। इसी बीच एक अतिरिक्त रन और अगले मैच फिर से वहां पर बड़ा प्रहार कर दिया काफी बढ़िया गेंद वहां पर सपोर्ट की मांग लेकिन अंपायर ने नकारा। किशोरी अगले मैच फिर से चलेंगे दौड़ना शुरू किया अंपायर को पार किया ये गेंद वहां पर हल्के हाथों फेंक दिया दो खिलाड़ियों के बीच से। अगली बार फिर से किशोर ये गेंद और वहां पर फटका गेंद सही नसीहत की मिलेंगे पूरे 6 रन। वहां पर कमेटी के सदस्य रिकॉर्ड से गेंद के लिए चले जाए दूर वहां पर पावर हिटर पर ये गेंद वहां पर काफी के लिए लंबे शॉट का प्रयास लेकिन जो कि किशोर रेली मतलब फिर से जीत के 6 रनों की आवश्यकता। यह गेंद और कड़ा प्रहार कर दिया वहां पर लेकिन पेड़ में गेंद में है कार्तिक, जीत के लिए मात्र 5 रन की आवश्यकता। यह गेंद और वहां पर हल्के हाथों फ्लिक कर दिया 6 रन। अभी भी बॉल बाउंड्री से दूर, बहुत ज्यादा तरसा तीन गेंदों की आवश्यकता वहां पर काकू को क्लीन बोल्ड कर दिया विक्की ने। अगली मरतला फिर से चले सामने है आशु, यह गेंद आशु के लिए वहां पर और वहां पर निश्चित ही नो बॉल, ड्रॉ हो गया मैच और फ्री हिट वहां पर तो सिर्फ 1 रन दूर वहां पर जीत। अगली मतलब फिर से विक्की एक रन जीत के लिए वहां पर खेल दिया है फ्री हिट, अगर कैच भी पकड़ते तो फिर भी रन हो जाता है, रन हो गया जीत गए साथ जीत दर्ज की वहां पर। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं वहां पर पावर हिटर को टिक्कर प्रीमियर लीग के इस संस्करण का अभिजेता बनने के लिए। पावर हिटर 2023 की विनर आप गेंद रेट